अगर मैं सिर्फ कंटेंट के हिसाब से देखूं और उसके रियल लाइफ में ना जाऊं, तो उसके हिसाब से मैं जितना समझ पाया हूं, बंदा था तो कमीना, अब उसके पीछे में रीजंस भी थे और वो रीजन जो है काफी ज्यादा, मतलब काफी हद तक सही लगता है। अब कैसा है नहीं है वो जो भी है आपको भी समझना पड़ेगा। सो बंदा हाजिर है और मैंने देखा है अमर सिंह चमकीला, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, ये फिल्म है। और इस फिल्म में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा और ये फिल्म जो है किस हद तक आपको एंटरटेन करती है, किस हद तक इंफॉर्मेशन देती है, इसी बारे में बात होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली चीज बताना चाहूंगा कि ये एक सिंगर के बारे में है, लेट सिंगर, जो कि 1988 में उनकी हत्या हो गई थी गोली मारकर के। और वही चीज को जो है पूरी तरह से इस कहानी के अंदर में दिखाया जाता है कि उनकी जर्नी कहां से शुरू हुई थी। एक हल्का सा झलक दिखाया जाता है जो कि बचपन का होता है, और उसके बाद से अचानक से जो है वो टाइम दिखाते हैं जहां से जर्नी शुरू होती है और जब उनकी मृत्यु होती है तब तक की। अब यही पूरा चीज आपको देखने को मिलेगा। जहां तक कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, बचपन में वो ऐसे माहौल में पले बढ़े हैं, ऐसे माहौल में रहे हैं जहां पे लोगों के मुंह से नॉर्मल सी बात है गाली निकलना और गंदी चीजों का मतलब इस्तेमाल होना बातों में, तो उस चीज को लेकर के वो ज्यादा क्यूरियस रहते हैं और वही चीज जो है शायद उनके गाने में आते हैं। बाय मिस्टेक आता है, लेकिन लोगों को जो है एग्जैक्टली वही सुनना होता है जो ये गा रहे होते हैं। अब ये चीज को देख करके मेरे दिमाग में जो है हनी सिंह का करियर आ जाता है कि हनी सिंह ने अपनी करियर की शुरुआत में कई सारे ऐसे गाने गाए जो कि विवादित थी और उनको उठा करके डाला गया था जेल में। और गाने का अगर आप सिर्फ टाइटल ट्रैक ही समझ, मतलब सुन लो कि भाई क्या है गाने का नाम, तो भाई काफी है। तो इसके अंदर में भी वही चीज दिखाई गई है। पूरे फिल्म के अंदर में एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, ये समझते हुए कि जितने भी ऑडियंस है वो हिंदी ऑडियंस है और आपकी स्क्रीन के ऊपर में जो भी गाना चल रहा होता है उसका एक हिंदी लिरिक्स जो है आपके सामने में कंटिन्यूसली आता रहता है। और इसको देखने और पढ़ने के बाद इतना समझ में आया कि खास करके आपके दिमाग में ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये सिर्फ एक सिंगर नहीं है, ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल सिंगर है। और रीजन क्या है, आखिर क्या वजह थी, ताकि आप समझ पाओ कि लिरिक्स में ऐसा क्या डाल दिया था भाई जो लोग इसके पीछे पड़ गए थे। तो भाई उस चीज को बहुत अच्छे से मतलब सपोर्ट करते हुए लोगों के नजर में समझाने की नजरिए से रखा गया और वो बहुत हद तक काम करता है। बहुत हद तक नहीं कह सकता, पूरे तरह से काम करता है। मैं पूरे फिल्म के अंदर में बस गाने ही गाने आ रहे होते हैं और वो गाना जो है इतना रॉ और इतना ऑथेंटिक लगता है, खास करके एक पंजाबी आवाज। एंड अब समझ में आया कि क्यों दिलजीत दोसांझ को इसके अंदर में किया गया है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, दिलजीत दोसांझ जी का जो अपना एक परफॉर्मेंस है उसको लेकर के मैंने आज तक इनकी जितनी भी मूवीज देखी है, जो भी कंटेंट में ये दिखे हैं, इनका एक ही स्केल रहता है, उसी में वो दिखते हैं और उसी को लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। मैं भी एक्सेप्ट करता था, लेकिन इस फिल्म के अंदर में दिलजीत दोसांझ ने जिस तरह से कैरेक्टर को प्ले किया है, भाई थोड़ा सा बिलीव हो गया है कि उनको लिटरली एक्टिंग बहुत डीपली आती है भाई। और एक चीज, परिणीति चोपड़ा पूरे करियर में कहीं पे भी वो साबित नहीं कर पाई कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन इस फिल्म के अंदर में उन्होंने जो चमकीला, जो है अमीर सिंह चमकीला की जो वाइफ का रोल प्ले किया है, वो इतना प्रॉपर लगता है और इतना कन्विंस कर जाता है कि भाई दिल से निकल आता है, चलो यार बंदी ने फर्स्ट टाइम जो है स्क्रीन पे कुछ अपना मैजिक दिखाया है और पूरी कहानी को जो है जस्टिफाई करते हुए दिखते हैं दोनों जन। तो परफॉर्मेंस एकदम सा टॉप नॉच लगता है। बात अगर करें डायरेक्शन की, तो इम्तियाज अली जो है अपनी लास्ट मूवी जैसी थी लव आजकल 2, वो फेल होते हुए दिखी थी और मुझे बहुत अंदर से आ रहा था कि भाई इस बंदे ने ऐसा दिया है, पता नहीं क्या होगा अभी आगे चल के कैसा होने वाला है। और कंटिन्यूसली फ्लॉप, मतलब कंटिन्यूसली नहीं बोल सकते, एक ही दो फिल्म आई थी काफी लंबे लंबे समय के बाद में लाते हैं। और ये फिल्म जो है इनके तरफ से जो दिखाया गया है, ये है इम्तियाज अली का स्टाइल फिल्म दिखाने का। फिल्म के अंदर में पूरी तरह से वो आपको एंगेज कर जाते हैं फर्स्ट फ्रेम से ही, क्योंकि फर्स्ट फ्रेम पे ही जो चीज दिखाया जाता है वो आप क्यूरियस हो जाते हो क्यों ऐसा है। और उसके बाद से एंड तक व्हाट अ क्लाइमैक्स बॉस, क्लाइमैक्स अनएक्सपेक्टेड था। और क्लाइमैक्स को जिस तरह से दिखाया गया है एकदम प्रॉपर, वो सॉन्ग जो है समझ लो एक तरह का ट्रिब्यूट है और बहुत जबरदस्त लगता है। मुझे नहीं पता इसमें से कितने सारे सॉन्ग जो है ओरिजिनली गाए गए थे, लेकिन जहां तक मैं फिल्म को देख रहा था बहुत सारे जितने भी सॉन्ग थे वो सब के सब ओरिजिनल है और सही जगह पे सही रियल फुटेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ओरिजिनल फुटेज होता है वो फुटेज को मैच करके दिखाया जाता है, वो काफी अमेजिंग रहता है। आपको थोड़ा सा इसके अंदर में हंसी आएगी, थोड़ा सा दुख आएगा, थोड़ा सा अंदर से ये भी होगा
कि एक क्रिएटर, भले से वो कोई भी वीडियो क्रिएटर हो, सिंगिंग करता हो या फिर कोई डायरेक्टर हो, वो वही दिखाता है जो पब्लिक देखना चाहती है। और अभी मुझे जो है पता नहीं क्यों अंदर से थोड़ी सी रिस्पेक्ट आ रही है सलमान खान को लेकर के, क्योंकि सलमान खान ने कई बार अपने प्रोड्यूसर को, अपने डायरेक्टर को और अपने आने वाले प्रोजेक्ट में बार बार ये इंडिकेट करते आते रहते हैं कि उनको स्क्रीन पे कैसे दिखाना है। हमें लगता है कि भाईजान ऐसा दिखना चाहते हैं, लेकिन नहीं, भाईजान को पता है कि अगर ऐसे नहीं दिखाया तो उनकी फिल्में नहीं चलेगी, जिसके वजह से क्रिटिक कितना भी गाली दे दे, लेकिन उनकी फिल्मों को भाई अच्छी ओपनिंग मिल जाती है और एक अच्छा बिजनेस मिल जाता है। और वो चीज़ को जो है सही तरह से अगर समझना हो तो ये अमर सिंह चमकीला का भाई स्ट्रगल को देख लेना कि एक टाइम के बाद से वो बंदा दोनों साइड से पिस रहा है। एक तरफ जो है वो सोशल लोग जो कह रहे हैं कि अगर नहीं किया तो तुमको गोली मार देंगे, और दूसरे तरफ में भाई बहुत हो गया तेरा, अब वही वाला सुना जिससे तू पहचाना जाता है। भाई हमें चाहिए इंटरटेनमेंट, भाई वही सुना, हमें वही सुनना है, वो चमकीला चाहिए। तो इस चीज़ का प्रेशर आप फील कर पाओगे, आपको अंदर से दुख फील होगा, क्योंकि मुझे तो हुआ कि भाई बंदा कितनी बुरी तरह से अटक गया। तो ये सारी चीज को जिस तरह से समेट करके इम्तियाज अली ने सामने रखा है, इट वॉज ऑसम, जबरदस्त। तो मेरे हिसाब से भाई एकदम परफेक्ट था और मुझे देखकर बहुत मजा आया। 2 घंटा 26 मिनट का एक मिनट भी, नॉट अ सिंगल मिनट ऐसा है कि आपको भाई बोर कर जाए। हर एक सेकेंड, हर एक फ्रेम इंगेजिंग है। और उसके ऊपर मैं दिलजीत दोसांझ जी का मतलब एक प्यारी सी आवाज़, जिस तरह से वो रिहर्स कर रहे होते हैं, जिस तरह से म्यूज़िक में खोने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर से चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं, भाई वो चीज़ ऐसा लगता है दिलजीत दोसांझ के अलावा कोई नहीं कर सकता। बीच में थोड़ी सी याद आ जाती है अपने सिद्धू मूसेवाले साहब के ऊपर में कि भाई उनके साथ में भी शायद कितनी सारी चीज़ें हुई होंगी, और लास्ट में जा करके जो चीज़ हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। तो भाई ये अमर सिंह चमकीला की जो स्टोरी है बिल्कुल वैसी ही लगती है मुझे, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैच होती हुई, लेकिन जहाँ तक के अमर सिंह चमकीला की बात है वो डिफरेंट है, सिद्धू मूसेवाला डिफरेंट है। लेकिन जो भी चीज़ें दिखाई गई है 1977 से लेकर के 1988 उनके मृत्यु के दिन तक, वो सारी चीज़ें भाई, एक चीज़ मुझे और बोलना है वीडियो के एंड में कि भाई ये वो आर्टिस्ट थे जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, जब कोई ज़्यादा न्यूज़ चैनल नहीं था, रेडियो में एक न्यूज़ आता है जो कि पूरे दिन भर में कुछ आधा घंटे का न्यूज़ होता है, उसमें शायद कोई इंटरटेनमेंट का एक सेक्शन होगा, वहाँ पे इनको जगह मिलती थी। उसके बावजूद ये बंदा इतना पॉपुलर था कि लोग इनको देखने के लिए बिल्डिंग्स पे खड़े हो जाते थे, और उस बिल्डिंग पे भार नहीं संभाल पाने के कारण बिल्डिंग टूट के गिर रही होती थी। एंड देयर वाज अ मास्टर स्ट्रोक शॉट भाई कि वहाँ पे दिलजीत दोसांझ मुस्कुराते हैं और देखते हैं कि भाई टूट गया बिल्डिंग से, औरतें गिर रही है, यहाँ से लोग गिर रहे हैं, वहाँ से लोग गिर रहे हैं, उसके बावजूद वो अपना गाने को पीक पे लेके जाते हैं। एंड दैट इज कॉल्ड स्टारडम, द रियल टेस्ट ऑफ स्टारडम। तो भाई मेरे हिसाब से एकदम सब पैसा वसूल, आपका टाइम जो है कहीं पे भी एकदम वर्थलेस नहीं, वर्थफुल लगता है। तो दैट वॉज माई ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। आपने अगर देखा तो बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी है, और आप अमर सिंह चमकीला जी के बारे में आप कितना जानते हो बताना कमेंट सेक्शन पे। आई डोंट नो एनीथिंग बॉस, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस एक फिल्म देखने की नीयत से बैठा था और जो मुझे लगा मैंने वही चीज़ बताया है। सो अगर आप चैनल पे नए हो, यहाँ तक वीडियो देखे हो, तो भाई सबसे पहले धन्यवाद, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबा लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।